সকলকে স্বাগত আমার একটি নতুন ব্লগে। আমি গ্যালাক্সি চ্যাটার্জি আপনাদের সাথে চলে এসেছি আবারও আড্ডা দিতে। যাই হোক, আমরা এখন যাচ্ছি ফতেপুর সিক্রি দেখতে। আমাদের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি, মানে যেটা যেই পার্সোনাল গাড়ি করে আমরা এসেছিলাম, সেটি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পার্কিং করে রেখে আমাদের এরকম সরকারি, মানে সরকারের তরফ থেকে একটি বাস দেওয়া হয়েছিল, যেখানে দুদিকে টিকিট করে আমরা এই ফতেপুর সিক্রি দেখতে চলে এসেছি। আসার সময় এরকম একটি বাসে এসেছি, যাওয়ার সময়ও ওখান থেকে এরকম ধরনেরই বাস থাকবে, যে কোনো একটি বাসে উঠে পড়লেই হবে। তাই জন্য আমরা দু তরফের টিকিটই একসাথে করে নিয়েছিলাম। এখানে এসে বাইরেটা ভীষণই সুন্দর, এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মানে আমি আগ্রার কোথাও নোংরা দেখিনি, সবটাই ভীষণ পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন। আমরা চলে এসেছি এখন সিক্রিতে, আমাদের গাইড দাদা আমাদের এরপরে সব কিছু গল্প বলে শোনাবে, সাথে থাকুন, ভালো লাগবে। हाँ देखिए दादा, यहाँ दो ठो ग्राम है, दो जगह है, जैसे कि आगरे के अंदर आपने देखा ताज इन्फो, इस तरह की यहाँ दो जगह है, फतेहपुर एंड सीकरी। पहले इस जगह का नाम था सीकरी, मुगलों में सबसे पहले आए अकबर के ग्रैंड फादर जिसका नाम था बाबर, बाबर ने जंग फतेह करी इब्राहिम लोदी से पानीपत के मैदान में 1526 में, और 1527 में यहाँ पर आए। इसके पीछे में एक मैदान है जिसको बोलते हैं खनवा का मैदान, जहाँ राणा सांगा और बाबर का युद्ध हुआ था। इस जगह को फतेह करने के बाद बाबर ने इसका नाम दिया फतेहाबाद। फतेह मीन्स विक्ट्री। रतन बैठते थे नाइन मिनिस्टर, और ये कॉरिडोर जो देख रहे हैं यहाँ उनके अधिकारी बैठते थे, और उस ग्राउंड में आम पब्लिक बैठती। उस जमाने में जो भी पनिशमेंट सजा सुनाई जाती थी आम पब्लिक के सामने। ये गार्डन के बीच में स्टॉन नजर आता है, दिख रहा आपको, ये स्टॉन का रिंग है, यहाँ हाथी बांधा जाता था एलिफेंट, वो हाथी के सामने डाल दिया करते थे, हाथी पैर से दबा के ख़त्म कर दिया करते थे। तो यह है उसका दीवान आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस पब्लिक कोर्ट, यहाँ आम लोगों की फरियाद सुनी जाती थी। ऊपर में आपको जो रिंग नज़र आती है पाथों का, इससे यहाँ सामियाना बांधा जाता था धूप की वजह से। टेंट पहले ये गार्डन नहीं था, ये ग्राउंड पूरा प्लान था, ये गार्डन अभी बनाया गया है खूबसूरती के लिए। तो ये है दीवान आम, यहाँ आम सभा होती थी। अब आप लोग चलेंगे दीवान खास देखने के लिए, जहाँ राजसभा होती थी। आ जाए, তুলেছি। यहाँ अकबर की खास मीटिंग हुआ करती थी, इसके ऊपर वाले पोर्शन में पिलर के ऊपर बादशाह अकबर बैठते थे, इसके दस दरवाजे के चार पर नौ दरवाजों में मंत्री एक गेट आने जाने के लिए। अकबर ने यहाँ एक धर्म चलाया था दीन इलाही, दीन इलाही जो धर्म चलाया था उसी के लिए बैठ कर चलाया। उसके मुताबिक सुपर आर्किटेक्चर थे, जैन आर्किटेक्चर थे, जैन धर्म का डिजाइन थे। पैलेस, पंचमहल,
पंचमहल इसलिए कहते हैं कि पांच तरफ है और वैसे इसको कहा जाता है हवा महल। बादशाह अंगनी रात में ऊपर बैठकर खुली हवा का आनंद लिया करती थी और आनिया भी पर जाया करती थी। ये बना हुआ है 176 पिलर के ऊपर, 176 पिलर है। इसके ग्राउंड फ्लोर में 84, उसके बाद 56, उसके बाद 20, फिर 12, फिर 4, 176 पिलर है। इसका जो डिज़ाइन है वो बौद्धिस्ट आर्किटेक्ट है, पैगोडा डिज़ाइन। जिस तरह बौद्धिस्ट लोगों के मंदिर होते हैं ना, ऐसा नहीं रहा। और अकबर की मुस्लिम रानी ईद बकरीद का चांद देखा करती थी, हिंदू रानी सूरज को जल दिया करती थी और कृष्ण रानी हवा के लिए, इसलिए इसको हवा महल कहते हैं। पंचमहल इसलिए कहते हैं कि पांच तला वाली है। बादशाह अकबर नीचे वाले कहा जाता है अनूप तला। अनूप के मतलब होते हैं सुंदर और उर्दू में इसको कहा जाता है चार चमन। इसके चार रास्ते हैं, बहुत ही खूबसूरत तालाब बनाया गया है। ये वो जगह है जहाँ के तानसेन ने बैठकर दीपक राग गाया था जिससे कि दीपक जल गए थे। उसके बाद यहाँ तानसेन और बैजू बावरा का कंपटीशन हुआ था। बैजू बावरा ने मेघ मल्हार गाया था जिससे कि बारिश हो गई, वो यही का सीन है। तो यहाँ तानसेन बैठते थे और ये स्टेज जो देख रहे हैं यहाँ बादशाह अकबर, ये पिलर जो बने हुए हैं इसके पीछे अकबर के नौकर 9 मिनिस्टर्स और अकबर की जो तीनों रानियाँ थी वहाँ बैठती थी। विंडो जो देख रहे हैं वहाँ पर्दा लगा रहता था। इसके पीछे बहुत बड़ा तख्त बना हुआ है जहाँ तीनों रानियाँ बैठकर पर्दे में गाना सुनती। महल, इस महल को कहा जाता है सपना महल, ड्रीम पैलेस। ये महल नीचे से समर पैलेस, ऊपर वाली मंजिल विंटर पैलेस। ये बादशाह अकबर का महल है। इस महल को कहा जाता है सपना महल, ड्रीम पैलेस, पांचवा महल। अब आप लोग चलेगा अकबर का क्रिश्चियन वाइफ का महल देखने के लिए मरियम के लिए। हाँ देखिए दादा, सामने आप जो देख रहे हैं ये है जोधा बाई का किचन, रसोई घर। यहाँ उनका खाना बनता था। ये बीच में आप जो देख रहे हैं यहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ था, वर्शिप प्लांट। पहले यहाँ गॉड को वर्शिप करती थी, उसके बाद महल के अंदर यहाँ से रास्ता खुला हुआ था। नीचे उतरने के बाद इस बरांडे के द्वारा वहाँ जाती थी, वो बादशाह का महल है सामने। तो ये आपका सीकरी हो गया दादा। अब आप लोग सामने फतेहपुर जाएंगे, वो बुलंद दरवाज़ा है चिश्ती की दरगाह, जामा मस्जिद और शाही दरवाज़ा, वहाँ आपको दूसरा गाइड दिखाएगा। सीकरी देखा कमप्लीट करे आमरा एगोलम फतेहपुरेर दिके, माने भीतर थेकेई एकटा गलिर मतन करे एरकम फतेहपुरेर दरजा एसे दाड़ानो हय। एबार आमरा धीरे धीरे देखबो फतेहपुर, तारपरे आबार आमरा फिरे जाबो आमादेर पार्किं लटे। फतेहपुरे ढोकार साथे साथेई आमार माने मनेर थेके एकटा बाह एरकम एकटा মানে আওয়াজ বেরিয়ে এলো, এত সুন্দর ভিতরটা। তো আমাদের ইনি নতুন গাইড দাদা, ইনি আমাদের এই ফতেহপুরটা ঘুরিয়ে দেখাবেন। কিন্তু আগের যিনি গাইড দাদা ছিলেন উনি বেশি ভালো, উনি হয়তো বিজনেস তো করেইছেন, এটা ওদের ব্যবসায়, কিন্তু তার সাথে সাথে উনি মানে আমাদের পুরোটা সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। কিন্তু ইনি ঢোকার সাথে সাথেই মানে এরকম প্রেফার করতে থাকলো, এখানে ফটো তোলা হয় এই ফটোই নিন, এখানে মসজিদ, এখান থেকে আপনাকে কিছু নিয়ে কিনে ঢুকতেই হবে, মানে এরকম যাবতীয় জিনিসগুলোর ওপরে একটু ফোর্স করছিলেন, হ্যাঁ, যেটা আমার ভালো লাগেনি। এছাড়া সৌন্দর্যের দিক থেকে ভীষণ 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 সুন্দর। আমরা সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে মানে আমি বারবার ক্যামেরা ঘোরাতেই থাকছিলাম, কোন জায়গাটা যে বেশি ভালো সেটাই বুঝতে পারছিলাম না, মানে পুরোটাই ভীষণ ভালো। তো এগোতে থাকলাম আমরা, হ্যাঁ দেখলি তো, এগুলো হলো সব বংশধরদের সমাধি।
मन नहीं होता तो जाते क्या? सबाई एक टुकड़ करे फूल दिए दो। दीदी आपने पंखा दिले दादा ने लिया है। नहीं আমরা আমাদের ফতেপুর দেখে কমপ্লিট করে আবারও ফিরে যাচ্ছি আমাদের গন্তব্যের দিকে, মানে ফেরার পথে আমাদের পার্কিং লটে। তো এখানেই আমার আজকের এই ভিডিও শেষ করলাম, শিক্রিয়ার ফতেপুরের ভিডিওটা। তো ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। আজকের মতন টাটা।